तो भाई हम पहुंच गए अब देहरादून चक्रोता मंसूरी। तो फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बता रहे हैं। या देखो हम कार में घूम रहे हैं, या अभी हमें कोई पैसों की आवश्यकता जो पहले होती थी अब नहीं है। अब हमारे पास जो चीज़ें हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट रहे हैं कि हमें वोडाफोन आइडिया बहुत अमीर कर देगा। देखो सर, वोडाफोन आइडिया आपको अमीर कर देगा, लेकिन तब करेगा जब कहीं ना कहीं से उसके अंदर फंड आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स। और कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी वोडाफोन आइडिया पे, उससे मुझे बड़ा ही एक ऐसी चीज़ महसूस हुई है कि कुछ लोगों को बड़े लालच की तरफ जो ले जाया जा रहा है, उसके अंदर एक मुहिम मैंने जो छेड़ी है और आप मेरा वो साथ दे रहे हैं। और मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो कहा कि वोडाफोन आइडिया को एलन मस्क की चीज़ों के साथ देखने वाली चीज़ें, और हम उसकी तकदीज़ भी नहीं कर सकते कि वो चीज़ें असली हैं या नकली हैं, उसके बारे में हम समझ नहीं रहे हैं कि वो सारी चीज़ें असली हैं या नकली हैं, और उसके बावजूद भी हम ये सोच रहे हैं कि हमें वोडाफोन आइडिया बहुत अमीर कर देगा। देखो सर, वोडाफोन आइडिया आपको अमीर कर देगा, लेकिन तब करेगा जब कहीं ना कहीं से उसके अंदर फंड आएगा। हर एक पहलू उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, पर वो मेरी चीज़ों के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है सिर्फ कि छोटा शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, तीसरे नंबर की ये कंपनी है। ये सारी चीज़ें सबको पता होती है भाई, ये तुम्हें नहीं पता, ये सबको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। पर एक सिचुएशंस होती है, पर उस सिचुएशंस के अनुसार हमें चलना पड़ता है। वैसे आपको पता है आज मैं जा रहा हूँ देहरादून, और आपको मैंने बताया था कि मुझे 3 चावल के कट्टे को कहीं एक जगह ले जाना है, और वो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे कहाँ ले जाना है, क्योंकि वो एक छुपी हुई चीज़ होती है, उसको बताना ज़रूरी नहीं होता, समझाना होता है बस। तो उसके लिए मुझे आज जाना पड़ रहा है। और आज अभी टाइम क्या हुआ, टाइम दिखाओ सर, तक 4:05 बजने वाले हैं। और 5 बजने वाले हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 वीडियो जो बना दी है, एक आज की और एक कल की, आज ही बना दी है, तो उसे भी आप ज़रूर देखना। और मैं बात कर रहा था वोडाफोन आइडिया की, तो जिन्होंने ब्रोकर के कहने पर उन्होंने कहा, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई ये कुछ वोडाफोन आइडिया करने वाला है, तो उन्होंने शेयर को ले लिया। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई, जब मैंने समझाया, और मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे भी हैं, बुरा नहीं मानते, उन्होंने 2 बार वीडियो में सॉरी बोल दिया कि मेरे से गलती हो गई है। देखो सर, अगर वोडाफोन आइडिया में कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी तो सबसे पहले मैं ही आपको बता दूंगा उसके बारे में, क्यों बता दूंगा? क्योंकि मैं सिर्फ सच्ची की तरफ चलता हूं। अगर हमें लगा फंड आ गया, कुछ हो गया, तो वो भागेगा भाई, क्यों नहीं भागेगा, है ना। देखो सर, ये शेयर मार्केट जो है हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखा देगी। आज हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, या देखो हम कार में घूम रहे हैं, या अभी हमें कोई पैसों की आवश्यकता जो पहले होती थी अब नहीं है, अब हमारे पास जो चीज़ें हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट से आती है। पर इसको कमाने के लिए भी तो काफ़ी विधि चलेंगी। लोगों के कार में घूम रहे हैं जी, बहुत कमा रहे हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप वीडियो देख लो किसी की, उससे आप बिल्कुल समझ लो कि भाई सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो ऐसा भी नहीं होता। कुछ ही लोगों के पास वो पैसा आता है, पर वो आता है माइंड से और प्रॉफिट लेकर, उसके बिना वो आ नहीं सकता। जितनी आप लोगों की बातें सुन लो, जितनी ब्रोकर की आप कह दो ये हो गया वो हो गया, आपको सबसे पहले अपने को फंसाना नहीं है, बचाना है। मैं खुद आपको अपने बारे में बताऊं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले मंदिर के बाहर माला भी बेची है मैंने, कोर्ट में भी काम किया है मैंने, कपड़े की दुकान में भी काम किया है मैंने, मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं। और उस टाइम भी पैसों की मुझे इतनी किल्लत होती थी, है ना। फिर मैंने फार्म में भी काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मुझे शेयर मार्केट में आके ऐसी पूर्णतियाँ मिली है कि उसके साथ मुझे अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब मुझे एक मंजिल सी मिल गई, और उस मंजिल का ठिकाना बिल्कुल सच्चे रास्ते के साथ होगा, और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो अभी मैं देहरादून जा रहा हूँ, रात हो जाएगी और पहाड़ों का रास्ता भी आएगा। अगर हो सके तो मैं आपको पहाड़ों का रास्ता भी दिखाऊँगा और समझाऊँगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या ज़िंदगी में हो सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो किसी के भी कहने पे कभी भी शेयरों को नहीं ख़रीदना है, किसी के कहने पे नहीं बेचना है, और देखना है कि हम ज़िंदगी में कर क्या सकते हैं। सबसे पहले ये देखो कि आपका टेस्ट क्या है, आपका टेस्ट के अनुसार आपको चलना है ना। तो सब कुछ आसान हो जाएगा भाई, ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी अगर हम बिल्कुल सच्चे तरीके से देखें, थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेना शुरू करें, ज़्यादा की तलाश कम करें, कम की शुरुआत करें, और जब हम ये काम कर देंगे सब कुछ अच्छा होगा। तो आज का वोडाफोन आइडिया का मकसद यही था कि जब कुछ अच्छा होगा सर, सब कुछ अच्छा अपना फंड से होगा,
और जिन्होंने सॉरी बोल दिया है कि गलती हो गई है, उनका कमेंट भी आ गया था, तो मुझे लगता है कि हमें सुधरने की चीज़ों के साथ उतरना पड़ेगा। और जो अपनी गलतियां मान ले वो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बुरा नहीं माना बल्कि सोचा कि हाँ लालचवश उनसे कुछ गलत काम हो गया है। तो अब हम चलेंगे देहरादून की तरफ, पहाड़ आने वाले हैं, उसके बाद आपको पहाड़ों का नज़ारा दोस्तों दिखाएंगे। हम पहाड़ों में पहुंच गए हैं, और पहाड़ों में अगर अब आने का मकसद यही है, आपको पता है मैं क्यों आ रहा हूं यहां पर, कुछ सामान लेके मैं यहां पर आया हूं। और अभी देखो आपको लग रहा होगा बहुत उजाला है, लेकिन काफ़ी देखो जाम है यहां पर, और अभी हम जाम में फंस गए हैं और पहाड़ों की वादियों में हम जा रहे हैं। तो आज की वीडियो ज़रूर देखना, थोड़ी लेट आ सकती है क्योंकि मैं अभी उसे एडिट नहीं करी है, अभी मैं पहाड़ों में फंस गया हूँ। तो वोडाफोन आइडिया हो, कोई सा भी शेयर हो, सब में रणनीति चलती है, अच्छे शेयर में भी चलती रणनीति, ये नहीं कि अच्छे शेयरों को भी आँख बंद करके हमने खरीद लिया, अच्छे शेयरों के अंदर भी रणनीति चलती है, नहीं ना? बहुत से लोग कहते हैं मैं उसमें फंस गया उसमें फंस गया, तो वो छोटे मोटे शेयरों में और बड़े शेयरों में दोनों में चलती है रणनीति। तो छोटे शेयरों से भी पैसा बनता है, बड़े शेयरों से भी पैसा बनता है। आज रात को इन्फीबीम की वीडियो आएगी, ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई मैंने आपके लिए। बिल्कुल अंधेरा हो गया, अंधेरा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। अब पहाड़ आ गया, थोड़ा मुझे थोड़ी सी ड्राइव अच्छी तरह करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं टेंशन में आ जाऊंगा। और पहाड़ देख लो आप। तो आज हम विकास नगर देहरादून जा रहे हैं, थोड़ा सा सो गया ये जहां, रात में पकड़ रहे हैं ना, सो गया आसमान सो गई ये सारी मंजिलें, ये सारी मंजिलें सो गया है रास्ता। दोस्तों आज हम आ गए हैं पहाड़ों में और हम पहाड़ों का आनंद ले रहे हैं, और पहाड़ों में मुझे लगता है आना चाहिए। पहुंच गए हैं अब देहरादून चक्रोता मंसूरी। तो फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।